गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश सब्जेक्ट में हम देखेंगे पेज नंबर 18। क्या देखेंगे आज हम? ग्रामर पोर्शन देखेंगे। तो उसके पहले हम देखते हैं, यूज टू नाउन्स टू मेक वन नाउन। यूज द वर्ड गिवन इन द बॉक्स वर्ड बॉक्स। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मतलब टू नाउन्स दिए हैं, उसे हमें कंबाइन करके वन नाउन बनाना है, ठीक है। जैसे पहला देखिए आप, प्रेस इट इफ़ यू वांट टू गेट इनटू द हाउस। आपको जब घर के अंदर जाना होता है तो आप क्या प्रेस करते हैं, क्या बजाते हैं? जैसे डोर प्लस बेल मींस डोर बेल। तो इसमें हमें क्या करना है, डोर प्लस बेल, तो ये प्लस साइन निकाल के दोनों को हमें जॉइन करके लिखना है, मींस डोर प्लस बेल। ये हम आपको कॉपी में बताते हैं कैसे लिखना, ठीक है। ये देखिए, डोर प्लस बेल, इट मीन्स डोर बेल। सेकेंड है, अ टाइनी इंसेक्ट विथ कलरफुल विंग्स, मीन्स बटर प्लस फ्लाई इज इक्वल टू बटरफ्लाई। देखिए, बटर प्लस फ्लाई, बटरफ्लाई। नंबर थ्री, टूथ प्लस ब्रश, टूथब्रश। नंबर फोर, हैंड प्लस बैग, हैंड बैग। नंबर फाइव, टूथ प्लस पेस्ट, टूथपेस्ट। नंबर सिक्स, काउ प्लस शेड, काउ शेड। सन प्लस डे, संडे। क्लास प्लस रूम, क्लासरूम। ओके, तो आपको ये कॉपी में भी और यहाँ बुक में भी दोनों जगह पे लिखना है। अब हम देखेंगे लर्निंग ग्रामर। तो उसके लिए भी हम पहले कॉपी में देखते हैं क्या करना है। टॉपिक है यूज़ ऑफ ए एंड एन। एन, ए कहाँ यूज करना है और एन कहाँ यूज करना है। देयर आर 26 लेटर्स मीन्स अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश। कौन से लेटर्स है आपको सभी को पता है, ए से लेकर झेड तक, ये पूरे होते हैं 26। ओके, देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश। कौन से वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, 5, एंड रेस्ट आर कंसोनेंट्स। और जो बाकी बचे हैं वो होते हैं कंसोनेंट्स, मीन्स 5 वॉवेल्स प्लस 21 कंसोनेंट्स मीन्स 26 अल्फाबेट्स। ए एंड एन मीन्स 1, वी यूज एन बिफोर नाउन बिगिनिंग विथ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। वी यूज अ बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ ऑल द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, दीज लेटर्स आर कॉल्ड कंसोनेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गर्ल। यहाँ अ क्यों लगा, क्योंकि यहाँ गर्ल है और गर्ल की स्टार्टिंग जी से हुए एंड जी इज अ कंसोनेंट, सो हमने यहाँ अ लगाया। सेकेंड देखते हैं, मीना इज एन इंडियन गर्ल। एन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ इंडियन है और इंडियन का आई क्या होता है, वॉवेल होता है, और हम वॉवेल के पहले एन लगाते हैं, कंसोनेंट के पहले ए लगाते हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं और बुक में देखिए, यूज ए और एन टू कंप्लीट द सेंटेंस। जैसे नीना इज अ इंडियन गर्ल, तो क्या लगेगा है, एन इंडियन। नीना इज अ एन इंडियन गर्ल। चैंग इज अ चाइनीज बॉय, चाइनीज, सी इज अ कंसोनेंट। बेटी इज एन अमेरिकन गर्ल। हंस इज अ जर्मन बॉय। अडिया इज एन अफ्रीकन गर्ल। ओके, बी देखते हैं, बी फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। नंबर वन, एन इगुआना इज अ बिग लिजर्ड। यहाँ ए हम कैपिटल लिखेंगे। एन इगुआना इज अ बिग लिजर्ड। आई ऐड एन एप्पल एंड ड्रैंक अ कप ऑफ हॉट कोकोआ। नंबर थ्री, एन ऑस्ट्रेलियन लेडी विजिटेड अवर स्कूल। नंबर फोर, एन एलिफेंट जस्ट वॉक डाउन द रोड। अ सबवे इज एन अंडरग्राउंड रोड। When mummy cuts an onion, her eyes water. An insect has six legs. An anteater as an animal. An ant and a grasshopper are insects. An English boy is coming to visit us today. Okay? तो आपको ये समझ में आया कहाँ आपको an लगाना है और कहाँ a लगाना है। जिस वर्ड की स्टार्टिंग लेटर वॉवेल होता है तो हम वहाँ उसके आगे एन लगाते हैं, और स्टार्टिंग लेटर अगर कंसोनेंट है
तो हम उसके आगे ए लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपको एच डब्ल्यू आपको करना है राइट इन कॉपी, ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।